श्री कृष्णा गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 5:20 हो रहे हैं और मैं मेरे दिन की शुरुआत कर चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ गाइस कि आप लोग भी इसी प्रकार से अपने दिन की शुरुआत कीजिए ताकि आपका दिन बहुत अच्छा जाए। तो ये जो हमारे हस्त हस्त हैं, ये जो हमारे हाथों की हथेलियाँ हैं, इसको हम बंद करेंगे और से खोल के हमें मंत्र बोलना है प्रातःकाल दर्शन का। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर अपने नेत्रों को धीरे धीरे हम अपनी हथेलियों की तरफ खोलेंगे और से देखेंगे। कहने का अर्थ है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हमारे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हमारे इन हस्तों के हस्त रेखाओं के ऊपर जो ये उंगलियां हैं, इनको अगर हम छोड़ेंगे इस तरीके से, इसमें लक्ष्मी जी वास करती हैं। कर मध्ये सरस्वती, हमारे कर के मध्य में यानी बीच में, मध्य रेखा यानी बीच में सरस्वती वास करती है। कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और कर्म और हमारी इस रेखा जो नीचे है, ये रेखा यहाँ तेली की, इस पे गोविंद जी वास करते हैं। अर्थात लक्ष्मी सरस्वती और गोविंद जी के हम अपने नेत्रों से सुबह इस मंत्र का जाप करके जब देखते हैं तो हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होती है। और देखने के बाद, इस मंत्र को बोलने के बाद, हमें अपने आँखों पे धीरे से इसे मलना चाहिए। तो दोस्तों, ये प्रातः का दर्शनम का एक नित्य श्लोक है। दूसरा है हमारा श्लोक, ते देवों के साथ नवग्रह स्मरण। जब हम पूजा करें तो हमें हर नव जो नौ ग्रह हैं उनकी हमको पूजा करनी चाहिए। समुद्र स्तुति होती है, या हम जब स्नान करते हैं गंगा जी का, जैसे हम गंगा जी का स्नान करते हैं तो गंगा मंत्र बोलते हैं, या हम घर में स्नान करते हैं तो हमें एक ये समुद्र स्तुति मंत्र बोलना चाहिए। हाथ छोड़िए और बोलिए, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तंत पंडिते, विष्णुपति नमस्तभ्यम, पाद